हमारे कंप्यूटर बंद हो गए और फिर स्टाफ के कंप्यूटरों पर स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई दी। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है। कंपनी का सॉफ्टवेयर मीडॉक वित्त विभाग को टैक्स डेटा भेजता था। उन्होंने वो सॉफ्टवेयर चुना जिसे यूक्रेन की लगभग हर कंपनी इस्तेमाल करती थी। हमने इसकी सूचना साइबर पुलिस को दी, लेकिन वो नहीं आए। आखिरकार मैं खुद वहां गई, शिकायत दर्ज कराई और कहा कि आपको जवाब देना होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यहां से हमलावर अपने मेलवेयर को लाखों कंप्यूटरों तक फैलाने में कामयाब हो गए थे। वायरस का नाम था नॉट पेटिया। वो पैसे मांग रहे थे, लेकिन पैसे देने पर भी कुछ नहीं होता। दरअसल वो कंप्यूटर को अनलॉक कर ही नहीं सकते थे। ओडेसा, दक्षिणी यूक्रेन। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मैर्स्क के कंप्यूटरों पर हमला हुआ था। जून 2017 में अचानक इसके 130 दफ्तरों में से कोई भी अपने डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाया और उन्हें काम के लिए पेन और कागज का सहारा लेना पड़ा। इस तरह ये नॉटपेटिया संकट का सुपर स्प्रेडर बन गया। कंपनी को करीब $10 अरब का नुकसान हुआ। ये लागत और पैमाने के हिसाब से इतिहास का सबसे खतरनाक साइबर हमला था। ये यूक्रेनी राष्ट्रीय पुलिस है, कृपया अपने फोन नीचे रख दें, कृपया कंप्यूटर से दूर रहें। वो आए, अपना काम किया और न जाने क्यों हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रात में उन्होंने 150 सर्वर निकाले, वही था जो कुछ कंपनी के पास था। हैकर्स के एक अदृश्य समूह सैंडवर्म का बनाया सॉफ्टवेयर एक हथियार बन गया था। जब पहली बार हमने दुनिया को सैंडवर्म के बारे में बताया तो कुछ ही लोगों ने इस पर ध्यान दिया, ज्यादातर ने नहीं। नॉटपेटिया ध्यान भटकाने की रणनीति थी ताकि यूरोप और अमेरिका पर उनकी पकड़ किसी के ध्यान में ना आए। वो दरअसल अपने निशान छिपाने के लिए अपराधी होने का नाटक कर रहे थे। सालों तक लोग कहते रहे, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कितने लोग हैं? मुझे बड़ी हैरानी है कि ये सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ टीवी देख रहा था। एडवर्ड स्नोडेन पर बनी एक फिल्म देख रहा था कि अचानक बिजली चली गई। डेढ़ घंटे बिजली गायब रहने पर पानी जमकर पंपों को फाड़ सकता था। इस मुसीबत को ठीक होने में तकरीबन 6 महीने लग जाते। उन्हें 1 घंटे का समय जरूर लगा, लेकिन सरकारी बिजली कंपनी उक्रेनेरको के कर्मियों ने मैकेनिकल तरीके से स्विच सही कर दिया। वक्त रहते नुकसान टल गया। अचानक आई ये मुसीबत कोई दुर्घटना नहीं थी, ये सैंडवर्म समूह का काम था। हम इन लोगों को नहीं जानते, उनके नाम या वो किसके लिए काम करते हैं नहीं पता, लेकिन वो इसे मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि इसमें बहुत से लोगों का एक बड़ा समूह शामिल था, क्योंकि वे बहुत तेज और बहुत सक्रिय तरीके से कई सिस्टमों पर काम कर रहे थे। ओलेक्सी यासिंस्की ने सरकारी बिजली कंपनी की ओर से घटना की जांच की। इससे पहले 2015 में उन्होंने एक मीडिया कंपनी में असामान्य रूप से सर्वरों का बंद होना देखा था। जब हमने विभिन्न कंप्यूटरों की लॉग फाइलें जांची, तो हमें एहसास हुआ कि हालात कितने खतरनाक थे। हैकर्स महीनों से यूक्रेन के नेटवर्क में घुसपैठ कर रहे थे। उन्होंने अपने मेलवेयर के जरिए कंपनियों और प्रशासन तक पहुंच बना ली थी। अनजान परिस्थिति में एक बुनियादी ढांचे की खोज करना कुछ ऐसा ही है जैसे पूरी तरह से अंधा होते हुए कोई घर खोजने की कोशिश करे।
इसलिए हमलावर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाना होगा, ठीक उसी तरह जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में चलना, एक के बाद एक दरवाजे खोलना। जब तक आपको सही उपकरण जो पीछे कहीं छुपा हुआ है या यूं कहें कि वो कमरा न मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। उन्होंने स्काडा कंट्रोल सिस्टम को खोज निकाला। उसके जरिए इमारत में मौजूद मशीनरी तक सीधे पहुंचा जा सकता था। नियंत्रण कक्ष में वर्चुअल तरीके से पहुंचे हमलावर बिना नजर आए स्विच को पलट सकते थे। उन्होंने बिल्कुल यही करने की योजना बनाई और अपने कोड को टाइम बम की तरह 17 दिसंबर 2016 की तारीख के लिए सेट कर दिया। ये किसी का निजी काम नहीं था, ये एक अच्छी तरह से वित्त पोषित और संचालित संगठन था। 300 किलो वोल्ट के कंप्यूटर नियंत्रित सबस्टेशन पर ये हमला ऐतिहासिक था। अगर कोई कंप्यूटर वायरस सीधे मशीनों और सिस्टम पर हमला करता है तो इसे साइबर फिजिकल हमले के रूप में जाना जाता है। इस तरह के हमलों को अंजाम देना बेहद मुश्किल, महंगा और दुर्लभ है। आज तक ऐसी सिर्फ 10 घटनाओं का ही पता है। पहली बार ऐसा ही कुछ 2009 में हुआ था, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरानी परमाणु संयंत्र में स्टक्सनेट वायरस फैलाया। इसने यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में 1000 सेंट्रीफ्यूजों को खराब कर दिया, यानी एक वर्चुअल हमला, जिससे संयंत्र में चल रही मशीनरी में खराबी आ गई। ये मुसीबत का पिटारा खोलने जैसा था। तब से कई देशों ने खुद को साइबर सेनाओं से लैस कर लिया है। तब से हर किसी ने इस विघटनकारी विनाशकारी क्षमता को पाने की कोशिश की है। रॉबर्ट ली ने लंबे समय तक यूएस एयरफोर्स में और कुछ समय के लिए एनएसए में काम किया है। स्टक्सनेट के बाद उन्होंने चेतावनी दी थी कि अमेरिका भी साइबर हमलों की चपेट में आ सकता है। जब मैंने तत्कालीन सरकार में ये बात उठाई तो रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के लोग कहते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, हम जो सामान इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं, लेकिन हम वैसे सामान का इस्तेमाल कहाँ करते हैं जैसा ईरान में होता है? बेशक हम करते हैं, ये हर जगह होता है, और आप कह सकते हैं कि उनमें से बहुतों के लिए हमारे रोजाना इस्तेमाल के सिस्टमों में कमजोरियां खोजने की क्षमताएं पैदा करने के ब्लो बैक इफेक्ट यानी संभावित बुरे असर के बारे में सोच पाना सिर्फ पागलपन था। यूक्रेन साइबर हथियारों के लिए एक परीक्षण स्थल बन गया। पॉलीगन का मतलब है प्रशिक्षण शिविर, जहां विशेष सैन्य टुकड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है। हमारा मानना है कि 2015 और 2016 में पूरा यूक्रेन साइबर हमलावरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र था। ये हमला खास तौर पर उसी सबस्टेशन के लिए तैयार नहीं किया गया था, ये दुनिया भर के किसी भी देश में काम कर सकता है। सैंडवर्म समूह की लंबे समय से अमेरिकी नेटवर्क तक पहुंच थी। 2014 की शुरुआत में साइबर विशेषज्ञ जॉन हल्टक्विस्ट ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका के ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की जासूसी की जा रही है। मैंने एक ब्लॉग में लिखा, देखो मुझे नहीं लगता कि वो इन कंपनियों में गैस की भावी कीमत पता लगाने के लिए है, वो वहाँ कुछ बर्बाद करने की तैयारी के लिए है। हल्टक्विस्ट ने क्लासिक साइंस फिक्शन श्रृंखला ड्यून से सैंडवर्म की तुलना की। सैंडवर्म जमीन में छिपे रहते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो नतीजे तबाह कर देने वाले होते हैं। यूक्रेन में नागरिक निशाने पर थे। इसका पूरा मकसद युद्ध के हालात से बस थोड़ा पीछे रहना था, क्योंकि ये निशाना कम समय के लिए था और किसी की मौत नहीं हुई, तो इसे फिर से पहले जैसा किया जा सकता था। आप ये कह सकते हैं इसे ऐसे ही डिजाइन किया गया था कि ये हमला बिल्कुल युद्ध के मुहाने तक चला जाए। जंग और शांति के बीच के अपरिभाषित क्षेत्र में अभी भी साइबर हमले होते हैं, लेकिन ये स्थिति बदल भी सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात की संभावना अधिक है कि अगर हम एक युद्ध, एक असली हमलावर युद्ध की ओर बढ़ते हैं, तो ये एक भयानक साइबर हमले की वजह से होगा। सवाल ये है कि आप एक अदृश्य हमलावर से कैसे लड़ सकते हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिका अपने जबरदस्त हथियारों के बावजूद बुरी हार का सामना कर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी सेना, बेहतरीन सैनिक,
प्रशिक्षण और तकनीक है। अमेरिकी सेना के पास दुनिया की अन्य 10 शीर्ष सेनाओं के कुल पैसे से ज्यादा पैसा है। तो समस्या क्या है? बात यह है कि पारंपरिक युद्ध हथियार उद्योग के लिए मुनाफे का सौदा है। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां F-35 जैसे लड़ाकू विमान बेचकर अरबों की कमाई करती हैं। ये एक तकनीकी चमत्कार है जो रडार की नजर में नहीं आता और स्वचालित रूप से लक्ष्य का पता करने के लिए जमीन को स्कैन करता है। ये सटीक, घातक, तेज और कुशल है, लेकिन सबसे बढ़कर ये महंगा है। अमेरिकी करदाताओं और सहयोगियों को इस पूरे प्रोग्राम के लिए $1,500 अरब चुकाने पड़े। इस हथियार की कोई उपयोगिता नहीं है, ये बेकार है। ये रूस या चीन को नहीं रोक रहा, ये इराक और अफगानिस्तान में युद्ध नहीं जीत रहा, फिर भी वो इस तरह की चीजें खरीद रहे हैं। ये 1939 की मैगनॉट लाइन की तरह है। ये बेकार हथियार है जो बीते युद्धों को जीतने के लिए बनाया गया था, भविष्य के युद्धों को नहीं। लगभग 20 वर्षों तक अमेरिकी सशस्त्र सेना और उनके सहयोगी अफगानिस्तान में लड़े हैं, लेकिन स्पष्ट रणनीति के बिना सबसे अच्छी तकनीक भी बेकार साबित हुई। इराक में भी अमेरिकी सैनिक सालों से लड़ रहे हैं। इसलिए वो सीमाओं के पार टैंक चलाकर बगदाद तक जाकर और सद्दाम का तख्त गिराकर अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, जो अप्रैल 2003 में बगदाद के फिरदौस स्क्वायर पर सद्दाम की मूर्ति गिराने के पीआर आधारित प्रकरण से पूरा हुआ। इसलिए शुरुआत में दिखे पारंपरिक तरीके दरअसल बहुत सावधानी से आयोजित किए गए शो थे। अमेरिका और हमारे सहयोगी कामयाब हुए। जब उन्हें लगा कि ये मामला सुख, शांति और प्रेम से हल नहीं हो सकता, तो राजनीतिक नेतृत्व के पास 3 बड़े विकल्प थे। वो या तो इराक और अफगानिस्तान को छोड़ इसे आतंकवादियों को सौंप दें, या उनके पास वियतनाम जैसा राष्ट्रीय मसौदा हो ताकि उसके लिए तैयार सेना वर्षों तक वहां बनी रहे। और तीसरा विकल्प था ठेके पर निजी हथियार बंद और आम लड़ाकों को रखना ताकि उस अंतर को पाट सकें जिसे अमेरिकी सेना नहीं भर सकी थी। और ठेके पर निजी लड़ाकों को रखा जाना आम बात हो गई। 2020 खत्म होने तक सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना के लिए करीब 4,800 कॉन्ट्रैक्टर काम करने लगे। और इसलिए 2009 तक इराक में अमेरिकी सेना का आधा हिस्सा ठेके पर हो गया था। उनमें से केवल 15% ही सैनिक थे। उनमें से ज्यादातर खाना बना रहे थे और वाहनों की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन अमेरिका युद्धों को जारी रखने के लिए रणनीतिक रूप से ठेके के लड़ाकों पर निर्भर था, जो खतरनाक है। नेवी सील में काम कर चुके एरिक प्रिंस ने एक मौका देखा। उनकी कंपनी ब्लैक वाटर को इराक में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ठेके हासिल हुए, लेकिन बात यही नहीं रुकी। जल्द ही प्रिंस, जो उपराष्ट्रपति डिक चेनी के करीबी थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो एक गुप्त CIA जैसा स्क्वाड बना सकते हैं जो उन चीजों को करेगा जिन्हें अमेरिका को अपना नाम लिए बिना करने की जरूरत है, बिना जाहिर किए कि इसके पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका है। मीडिया द्वारा तैयार युद्धों के माहौल में अमेरिका ने गुप्त मिशनों पर स्पेशल फोर्सेस भेजी, जिसमें कुछ हद तक निजी लड़ाकों की मदद से आतंकवादियों का शिकार करना शामिल था। इराक युद्ध वास्तव में वो पल था जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ने इस धारणा पर मुहर लगा दी कि किसी भी राष्ट्र के पास अब सेना के संगठित उपयोग का संप्रभु नियंत्रण नहीं है, और ये अमेरिकी सेना के भूतपूर्व सैनिकों को भी गवारा रहा कि वो करदाताओं के खर्च पर हासिल ज्ञान और अनुभव सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दें। उस वक्त भूतपूर्व सैनिक शॉन मैकफेड हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे।
सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की मध्यावधि परीक्षा के लिए मैं लेट था, इसलिए कैंपस में भाग रहा था। तभी मुझे एक फोन आया जो कुछ इस तरह था, आप नहीं जानते कि हम कौन हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप कौन हैं। अफ्रीका में एक काम करना है जिसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। क्या आप ऐसा करने के लिए हार्वर्ड छोड़ने को तैयार हैं? हमारे मुख्यालय टेक्सास आने के लिए हम आपको एयर टिकट देंगे, बाकी बात वहां होगी। 1990 के दशक में मैकफेट अमेरिकी सेना में पैराट्रूपर थे। इसके बाद उन्होंने एक नामी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। और मैं सोच रहा था, इधर मध्यावधि परीक्षा है और उधर अफ्रीका में कुछ अजीब करने के लिए जाना है। फिर मैंने हार्वर्ड छोड़ दिया और अफ्रीका में बिताए 3 साल में मैंने मूल रूप से अमेरिकी हितों के लिए एक निजी सैन्य कंपनी के जरिए छोटी सैन्य टुकड़ियां बनाई। इस काम में CIA और रक्षा विभाग शामिल नहीं होना चाहता था। आतंक के खिलाफ युद्ध की अपनी वैश्विक पहल के तहत अमेरिका ने अन्य सशस्त्र बलों के साथ गठबंधन किया, जैसे कि बुरुंडी में। शॉन मैकफेट उन लोगों में से थे जिन्होंने स्थानीय सेना की मदद से गुप्त मिशन को अंजाम दिया था। CIA की जानकारी के अनुसार उन्हें बुरुंडी के राष्ट्रपति की हत्या की योजना को रोकने का काम सौंपा गया था। ये काम आया? हाँ। कैसे? ये नहीं बता सकता। वो गोपनीयता के कारण अपने अन्य मिशनों के बारे में बात नहीं करते हैं। जब अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, उनकी मौत की सूचना देनी होती है। उनका अंतिम संस्कार सैन्य तरीके से होता है। वो झंडे में लिपटे ताबूतों में वापस आते हैं। जब अनुबंधित सैनिक मरते हैं तो कोई खास परवाह नहीं करता। वर्षों तक मैं अनुबंधित सैनिकों की मौतों की संख्या को ट्रैक करता था और ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कुछ हद तक मैं ये भी जानता था कि मेरा काम प्रशंसनीय अस्वीकार्यता वाला है, क्योंकि मैं बहुत जोखिम भरा ऑपरेशन कर रहा था जिसमें गड़बड़ी होने पर अमेरिका मुझे अस्वीकार कर देता। वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हम जानते थे कि छुड़ाने के बजाय उनके लिए ये करना आसान है। इसे काइट ऑपरेशन कहते हैं, यानी पतंग को काट कर उसे कहीं दूर उड़ने को छोड़ देना। ये प्रशंसनीय अस्वीकार्यता इस तरह के छद्म सैन्य अभियानों का मुख्य बिंदु है। कुछ गलत हो जाने पर ये खास तौर पर मददगार होता है, जैसा कि मई 2020 में वेनेजुएला में हुआ था। आज हम अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के दूसरे आतंकी का कबूलनामा पेश कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एरियन सिथ बेरी है। इस मिशन का लक्ष्य क्या था? मादुरो को पकड़ना। उसकी पत्नी मेलानी बेरी ने ये वीडियो ऑनलाइन देखा। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप बस हैरान रह जाते हैं। एरियन बेरी अमेरिकी सेना के साथ जर्मनी आए थे। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी। हाई स्कूल के ठीक बाद वो सेना में शामिल हो गए। वे हमेशा अपने देश की सेवा करना चाहते थे और लोगों की मदद करना चाहते थे। 2013 में वो सेवानिवृत्त हुए और जर्मनी के श्वाइनफुर्ट में बतौर व्यापारी काम करने लगे। जब आप इस तरह के काम करते हैं जो वो कई सालों तक करता रहा था, तो बहुत कुछ की याद आती है, दोस्तियों की भी। 2019 के अंत में उन्होंने कोलंबिया में एक गुप्त मिशन के लिए हामी भरी। वेनेजुएला की सीमा पर नशे के तस्करों, जासूसों और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच बेरी ने विशेष बलों के सहयोगियों और वेनेजुएला से निकाले जा चुके सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया। इसका लक्ष्य कराकस की सरकार को उखाड़ फेंकना और स्वघोषित अंतरिम राष्ट्रपति खुआन गुआइदो को सत्ता में लाना था। वो राष्ट्रपति नहीं था, वो एक इधर उधर भागता आदमी था जो कह रहा था, हे, मैं असली राष्ट्रपति हूँ। इसलिए ये सभी बैठकें हुई, ये कूटनीति चली, और फिर आपके पास ऐसे जाने माने लोग हैं जो वर्षों से वेनेजुएला के खुफिया तंत्र और सैन्य तंत्र में शामिल हैं, और अब विपक्ष का हिस्सा हैं, जो गुआइदो को लगातार इशारा कर रहे हैं, हम लड़ाकों के साथ काम कर सकते हैं, हम मादुरो को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन वेनेजुएला सरकार को इसकी भनक थी। सरकारी टीवी ने तो ल्यूक, एरियन और जॉर्डन जैसे निजी लड़ाकों के नाम सरकारी टीवी पर प्रसारित कर दिए। जॉर्डन गुड्रो बेरी के साथ स्पेशल फोर्सेस में थे। उन्होंने अपने पुराने साथी को एक नाउम्मीद मिशन पर भेजा। 3 मई 2020 को उन्होंने ट्विटर पर ऐलान किया। शाम 5 बजे कोलंबिया की सीमा से धरती और पानी के रास्ते कराकस के भीतर तक साहसिक हमला हुआ है। हमारे आदमी अभी भी लड़ रहे हैं।
लेकिन इस हमले की आशंका पहले से थी। एरियन बेरी को ठेके के अन्य लड़ाकों के साथ तटीय गांव चुआओ में गिरफ्तार कर लिया गया। लड़ाकों की दुनिया की एक समस्या है। बहुत से अनुबंधित सैनिक पहले गुप्त जांच दल में रह चुके हैं। वो इराक या अफगानिस्तान गए, वहाँ कई दफा रहे। वो जब घर लौटते हैं तो आम नागरिक जीवन में अच्छी तरह तालमेल नहीं बिठा पाते। वो योद्धा हैं और वो युद्ध की तलाश में रहते हैं। अब जब अनुबंधित सैनिकों का समय आ गया है तो उन्हें फिर से पुराने तरीके से जीने का मौका मिल गया है। समस्या ये है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। सर, वेनेजुएला में क्या हुआ? क्या कुछ अमेरिकियों को हिरासत में लिया गया है? मुझे अभी जानकारी मिली है। हमारी सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है तो हम पता लगाएंगे। हमने अभी इसके बारे में सुना ही है, लेकिन जो भी होगा हम आपको बता देंगे। ये स्पष्ट था कि लड़ाके अपने जोखिम पर ही वहाँ थे। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है, क्या ये इतना लंबा होगा? काश ना हो। हालांकि एरियन बेरी जैसे सभी अमेरिकी लड़ाकों को उनकी सरकार ने अधर में नहीं छोड़ा। 2007 में ब्लैक वाटर के प्रमुख एरिक प्रिंस को अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को जवाब देना पड़ा था। एरिक के लड़ाकों ने बगदाद में 17 इराकियों को गोली मार दी थी। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हत्यारों को माफी दे दी। इस घटना के बाद ब्लैक वाटर ब्रांड को झटका लगा। एरिक प्रिंस ने नाम बदलकर नई कंपनियां बनाई, उनमें से एक हांगकांग में स्थित है। वो फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप नाम से एक कंपनी चलाते हैं। ये हांगकांग में है। इसका मालिकाना हक मुख्य रूप से बीजिंग के पास है। वो बीजिंग के राष्ट्रीय हितों की मजबूती के लिए अफ्रीका में बेल्ट रोड इनिशिएटिव जैसी पहल पर काम करते हैं। तो मतलब आपके एरिक प्रिंस, अति देशभक्त मिस्टर कैप्टन अमेरिका, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति से सीधे जुड़े शक्तिशाली लोगों के साथ काम कर रहे हैं। एरिक प्रिंस छद्म युद्ध की दुनिया में वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए काम कर रहे हैं। लड़ाकों का व्यवसाय वैश्विक है। मॉस्को भी बहुत से उच्च प्रशिक्षित भूतपूर्व सैनिकों पर निर्भर है। रूस ने हमेशा निजी सैनिकों का इस्तेमाल किया है, हमेशा, और खास तौर से व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन केजीबी से बाहर हो गए, जो सीआईए की तरह पूरी दुनिया में हर जगह गैर पारंपरिक तौर तरीके इस्तेमाल कर रहा था। इनमें से कुछ भी नया नहीं है, जो नया है वो तकनीक है। इससे पहले जासूस कहीं जाकर ऐसे अजीब किरदारों का पता लगाते थे, अब उनके पास वेबसाइटें हैं। उदाहरण के लिए रूस का वाग्नर समूह। 2014 में शुरू हुई ये लड़ाका कंपनी कई युद्ध क्षेत्रों में सक्रिय है, सीरिया में भी, जहां रूसी और अमेरिकी टुकड़ियां कभी कभी खतरनाक स्तर तक करीब आ जाती हैं। 2018 में अमेरिकी सेना और कुर्द सहयोगी फरात नदी के पूर्व में तेल से समृद्ध इलाके में डटे थे, पश्चिम में रूस और ईरान द्वारा समर्थित असद शासन के कब्जे का इलाका था। 7 फरवरी की रात को कथित तौर पर 100 से ज्यादा निजी सैनिकों ने नदी पार की और अमेरिकी गोलाबारी की चपेट में आ गए। उस लड़ाई में क्या हुआ, इसकी कई कहानियां हैं। इस बारे में अमेरिका जो कहानी कहना चाहता था और उसने कही भी, जिसमें पेंटागन का बयान भी दर्ज हुआ कि अमेरिका के कमांडोज को सीरिया के अनियमित सैनिकों के साथ लगे रूसी लड़ाकों के हमले से बचने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई करनी पड़ी थी। और आपके पास गैस की फैक्ट्री के पास एक डेल्टा बल, मरीन, ग्रीन बेरेट्स और कुर्द सहयोगी रक्षात्मक स्थिति में हैं। और आप B-52, F-15 स्ट्राइक ईगल्स, AC-130 गनशिप्स, अपाचे हेलीकॉप्टर, किसी को भी मदद के लिए बुला सकते थे। अमेरिकी वायुसेना ने रूस के सैन्य अधिकारियों को उन हवाई हमलों के बारे में सूचित किया था। हमें बताया गया कि कोई रूसी नहीं था, ये युद्ध सीमा के ठीक बाहर की बात थी, ये हमारे लोग नहीं हैं। कहा जाता है कि वाग्नर ग्रुप के कुछ लड़ाकों को युद्ध के बाद बाहर निकाल लिया गया था। ठेके पर रखे गए लड़ाकों पर मेरे किए शोध में आप बहुत ही कम सैनिकों को संघर्ष में शामिल होता पाएंगे। कई लोग जाते हैं, लेकिन वास्तव में लड़ाई लड़ने वाले लोग स्थानीय लोग हैं या दूसरे देश से भाड़े पर लाए गए लड़ाके, जो केवल किराए पर लाई गई बंदूक की तरह है। इनमें से कुछ गुमनाम लड़ाकों को अगले दिन स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। उनकी राष्ट्रीयता जानने में किसी पक्ष की कोई दिलचस्पी नहीं थी।
तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना होने का कारण ये है कि मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों ही पूरी बात को ये कहते हुए नकारते हैं कि ये वाग्नर समूह के लड़ाके केवल लड़ाके हैं और हम इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। इसलिए जैसे जैसे युद्ध गुप्त होते जाते हैं वो अपना काम निकलवाने के लिए इन भाड़े के लड़ाकों जैसे छद्म सैनिकों का सहारा ले रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध भी कोई पारंपरिक संघर्ष नहीं है। 2013 की सर्दियों में मैदान चौक में अशांति शुरू होने के बाद से लड़ाई में अक्सर गुप्त अभियान शामिल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ तीखे विरोध के साथ संघर्ष शुरू हुआ। उनकी सेना ने रबड़ की गोलियों, डंडों और आखिर में असली गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी भीषण सर्दी के बावजूद डटे रहे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को पद से हटा दिया गया और मॉस्को ने एक सहयोगी खो दिया। कुछ ही समय बाद रूसी सैन्य टुकड़ियों ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया में हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन रूसी भाषा बोलने वाले लड़ाके डोनबास इलाके में दिखने शुरू हो गए। यूक्रेन की जंग भी सच्चाई के खिलाफ जंग है। रूस समर्थक विरोध प्रदर्शनों ने मॉस्को के छद्म युद्ध की एकदम सही तस्वीर पेश की। उन्होंने क्या किया कि हथियारों का एक नकली व्यवसाय खड़ा किया। उन्होंने युद्ध का माहौल बनाया और जीत के लिए इसका फायदा उठाया, क्योंकि जब पश्चिमी देश ये पता लगाने की कोशिश ही कर रहे थे कि पूर्वी यूक्रेन में क्या हो रहा है, तब तक क्रीमिया हाथ से निकल चुका था। ये पूर्व और पश्चिम के बीच ठेके पर रखे लड़ाकों, गुप्त अभियानों और साइबर हमलावरों की शुरू की एक अघोषित लड़ाई थी। आज हम रूसी सैन्य खुफिया अधिकारियों की साजिश के खिलाफ उन पर आपराधिक आरोपों की घोषणा करते हैं, जिसमें किसी एक समूह के खिलाफ कंप्यूटर हमलों की सबसे विघटनकारी और विनाशकारी घटना को अंजाम दिया गया। अमेरिकी कानून मंत्रालय ने रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी के 6 सदस्यों पर सैंडवर्म हैकर समूह का साथ देने का आरोप लगाया। अपने मुख्यालय एक्वेरियम से ऑपरेटरों ने युद्ध और शांति के बीच के अपरिभाषित हिस्से में इस्तेमाल के लिए डिजिटल हथियार विकसित किए। रूस हैकर्स और संभावित लड़ाकों के लिए एक छद्म बाजार बन गया था। रूस एक अद्भुत स्थिति में है, वहाँ यकीनन प्रतिभाशाली लोग हैं और ऐसे सभी प्रतिभाशाली लोगों ने अपराध किए हैं, तो मतलब उन पर आपका पूरा अधिकार है, तो वो या तो वो करें जो आप उन्हें बताएं या जेल जाएं, और ऐसी जेल में जो कहीं से भी अच्छी नहीं है। हैकर्स ने यूक्रेन में जो परीक्षण किया था उसे बाद में अमेरिका में दोहराया गया। रूस के साइबर हमलावरों ने टेक्सास की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में घुसपैठ की। सोलर विंड्स एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये असल में पूरी दुनिया में है। हजारों कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं और सोचने वाली बात ये है कि जिस किसी तक वो पहुंचना चाहते हैं उस तक उनकी पहुंच है, तो उनके लिए सीमा बस उनकी इच्छा शक्ति ही है। अमेरिका का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कितना कमजोर है, इसकी एक बानगी मई 2021 में मिली। रूसी रैंसमवेयर ने पाइपलाइन ऑपरेटर कोलोनियल पर हमला किया और कंपनी को एक बारगी ठप्प कर दिया गया। गैस स्टेशनों पर ईंधन खत्म हो गए। कंपनी ने अपना डेटा वापस पाने के लिए $44 लाख की फिरौती चुकाई। ऊर्जा उद्योग में बिताए अपने 39 वर्षों में ये मेरा सबसे मुश्किल फैसला था। लेकिन अमेरिका ही निशाने पर नहीं है, इसकी अपनी साइबर सेना है। NSA की खुफिया एजेंसी ऐसे सॉफ्टवेयरों में कमजोरियां खोजती है जिनका इस्तेमाल विदेशी नेटवर्क में घुसपैठ के लिए किया जा सकता है। उन घुसपैठियों में से एक को इटरनल ब्लू कहा जाता था, जिसे दुनिया के सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर हमले के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन NSA का साइबर हथियार उनके ही काबू में नहीं रहा। अनजान हैकरों ने इटरनल ब्लू को कॉपी कर इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ समय बाद ये यूक्रेन में हुए विनाशकारी साइबर हमले नॉटपेटिया के रूप में फिर से सामने आया।
तो नॉर्थ पेटिया को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने वाली चीजों में एक इटरनल ब्लू का हाथ भी था, जिसे सॉफ्टवेयर की कमियां निकालकर एनएसए ने विकसित किया था। इटरनल ब्लू के असर ने सच में सभी को चौंका दिया। ऐसी कमियों को हर तरह के हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जासूसी, ब्लैकमेल या षड्यंत्र में। इस तरह के मैलवेयर का बाजार लगातार बड़ा हो रहा है। मानुएल आटुग जर्मनी में केओस कंप्यूटर क्लब के सदस्य हैं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। उदाहरण के लिए ये विभिन्न सुरक्षा कमियों को बेचते हैं। वो कमजोरियों, सुरक्षा में सेंध और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का फायदा उठाने के लिए खरीदते हैं ताकि उसका गलत फायदा उठा सकें। ये कारोबारी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेंध लगाने के लिए $2.5 मिलियन तक की पेशकश करता है। ये कानूनी है, लेकिन निश्चित रूप से नैतिकता के मुहाने पर। मसलन, अगर ये पता चलता है कि आपके बेचे गए एक्सप्लॉइट्स के कारण किसी देश में विरोधी रुख रखने वाले किसी आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये आपकी छवि को खराब कर देगा। 2015 में मेक्सिको की वकील कार्ला मिचेल सालास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम मीटिंग के लिए जा रहे थे। मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। ये बहुत ही निजी मैसेज था। उसने कहा, कार्ला, मेरा परिवार शोक में है। मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें अंतिम संस्कार का पता भेज रहा हूँ। मैंने लिंक पर क्लिक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। या बस ऐसा लगा, लेकिन उसे एक क्लिक के साथ पेगासस सॉफ्टवेयर फोन में दाखिल हो गया। ये फोन को पूरी तरह कब्जे में ले लेता है। आप माइक्रोफोन चालू कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, सारा डेटा निकाल सकते हैं, और ये पूरी तरह से हमलावर के कब्जे में होता है। ये सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने विकसित किया था। पूर्व खुफिया एजेंटों की बनाई इस कंपनी ने मेक्सिको, हंगरी और सऊदी अरब समेत अनेक देशों को पेगासस बेचा है। एनएसओ ग्रुप कहता है कि उनके उत्पाद आतंकवाद से लड़ने के लिए हैं, लेकिन कौन आतंकवादी है और कौन नहीं, ये उसके ग्राहक तय करते हैं। सबसे चर्चित मामला पत्रकार जमाल खशोगी का रहा। 2018 में इस्तांबुल के सऊदी वाणिज्यिक दूतावास में उनकी हत्या से पहले उनके संपर्कों के फोन पेगासस सॉफ्टवेयर से हैक किए गए थे। मेक्सिको स्पाईवेयर बाजार के सबसे बड़े ग्राहकों में से है। माना जाता है कि सरकार का मकसद ड्रग कार्टेल की जासूसी करना है। गोलीबारी, हत्याएं और गायब होना यहां के जीवन का हिस्सा है, और इनमें से ज्यादातर अपराध अनसुलझे रह जाते हैं। जब उनका फोन हैक किया गया था, तब वकील कार्ला मिचेल सालास हत्याओं के कई मामलों पर काम कर रही थी। पीड़ितों में वेराक्रूज शहर के फोटो जर्नलिस्ट रूबेन एस्पिनोसा और मानवाधिकार कार्यकर्ता नादिया वेरा भी थे। डराने धमकाने के बाद उन्होंने वेराक्रूज छोड़ दिया था। वे धमकियां सीधे राज्य सरकार की ओर से आईं। 2018 में राज्य के गवर्नर खावियर डुआर्ते को ड्रग कार्टेल की मदद करने के लिए 9 साल की जेल हुई थी। सत्ता के संस्थानों के अंदर संगठित अपराध है, और राज्य मूल रूप से उन लोगों की जासूसी करने और उन्हें सताने पर ध्यान लगाता है जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि पत्रकार या मानवाधिकार कार्यकर्ता। साला समेत पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले खुद ही निशाने पर आ गए। मेक्सिको और दुनिया भर में पेगासस का इस्तेमाल पत्रकारों, विपक्षी हस्तियों और अन्य राजनेताओं की जासूसी करने के लिए किया जाता है। इन दिनों फोन में बग डालने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत तक नहीं रही। एक मिस्ड कॉल स्मार्टफोन को संक्रमित करने के लिए काफी है। और यहाँ तक कि बिना हैक हुए फोन भी खतरनाक हो सकते हैं। आधुनिक सैन्य टोही दल आसानी से पता लगा सकता है कि सेल फोन का मालिक कहाँ है। ड्रोन की बदौलत अब कहीं भी हमले किए जा सकते हैं। ये पूर्वी यमन के हादरामूट प्रांत का खाशमीर गांव है।
29 अगस्त 2012 को 3 हेलफायर मिसाइलों ने हमला किया जिसमें 5 लोग मारे गए। घटनास्थल पर पहले गवाहों में से एक खालिद बिन अली जाबेर थे। ऐसे विस्फोट हमने पहले कभी नहीं सुने थे। हमने हर जगह लाशें और खून देखा। पीड़ित परिवारों के वकीलों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि अमेरिकी ड्रोन हमला उस खास समय और जगह पर क्यों हुआ। माना जाता है कि ये एक तथाकथित सिग्नेचर स्ट्राइक थी जो फोन कॉल के मेटा डेटा और सेल फोन की जीपीएस स्थिति के जरिए शुरू हुई थी। बिन अली जाबेर के परिवार के भी 2 लोगों की मौत हुई। उन्हें अब भी नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ। अटॉर्नी जेनिफर गिब्सन उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। ये ऐसे हवाई हमले हैं जो किसी की ज्ञात पहचान या उनके किए गए किसी अपराध के किसी ज्ञात तथ्य के आधार पर नहीं बल्कि व्यवहार के एक पैटर्न के आधार पर किए जाते हैं। सिग्नेचर स्ट्राइक में अक्सर वो नहीं जानते कि वो किसे मार रहे हैं। दुश्मन कौन है ये सर्विलांस डेटा के आधार पर तय किया जाता है और इसकी कमी नहीं है। इसका मूल्यांकन संदिग्ध पैटर्न तलाशने वाले कंप्यूटरों से होता है। इन आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सेलफोन और उनके अंदर मौजूद सिम कार्ड हैं। इसलिए कई मामलों में लोगों के बारे में जाने बिना सिम कार्ड या अन्य पहचान लायक वस्तुओं को नामजद किया जाता है, लेकिन वो यकीनन एक प्रकार की रचनात्मक लेकिन गैर कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं जिसके लिए मौत की सजा तक मिल सकती है। अक्सर निर्दोष लोग लड़ाई में फंस जाते हैं। इमाम सलीम बिन अली जाबेर उनमें से एक थे। हमले के दिन उन्होंने पास की मस्जिद में उपदेश दिया था। कुछ घंटे पहले वो और उनका दामाद अहमद मस्जिद के सामने ही बैठे थे। अलकायदा के बारे में सलीम की राय साफ थी। इसी मस्जिद में उन्होंने अलकायदा द्वारा की गई हत्याओं की आलोचना की। उस दिन 3 अजनबी सार्वजनिक रूप से अलकायदा की निंदा करने वाले इमाम की तलाश कर रहे थे। एक युवा पुलिसकर्मी वलीद बिन अली जाबेर को ये पता चला। युवा पुलिसकर्मी वाले जोश के साथ वलीद ने कहा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इसलिए वो गली में साथ साथ गए। ना तो इमाम और ना ही पुलिसकर्मी को ये शक था कि अमेरिकी ड्रोन अजनबियों को निशाना बना रहे हैं। वो मस्जिद से चलकर उस जगह गए जहां अजनबी उनका इंतजार कर रहे थे। तभी मिसाइलें आकर गिरीं। हो सकता है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी कट्टर आतंकवादी को मार रहे हों, लेकिन मैंने ऐसे बहुत मामले नहीं देखे जहां उन्होंने ये बात साबित की हो। हम जो अक्सर सुनते हैं वो है 10 अलकायदा वाले मारे गए, 1 यूएपी के लोग मारे गए, 10 तालिबानी मारे गए। आप अक्सर उनके नाम नहीं सुनते। तो अगर आप मानते हैं कि ये एक लक्ष्य पर हमले का ऑपरेशन है और उन्होंने 10 लोगों को मार डाला, तो आपको पूछना होगा उस लक्ष्य के अलावा अन्य 9 लोग कौन हैं। 2002 के बाद से यमन में 300 से अधिक अमेरिकी ड्रोन हमले किए गए हैं। इनमें आधे से ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में हुए। अगस्त 2021 में जब अमेरिकी सेना जल्दबाजी में अफगानिस्तान से हट गई तो लंबा खिंचता आया युद्ध अचानक समाप्त हो गया। उस वापसी के दौरान एक आत्मघाती हमलावर काबुल के हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही भीड़ में घुस गया और खुद को उड़ा दिया। फिदायीन हमले में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर अफगानी थे। मरने वालों में 13 अमेरिकी मरीन्स भी शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने तुरंत जवाबी हमले का आदेश दिया। एक ड्रोन ने काबुल के बीचों बीच एक निशाने पर हमला किया। इसे कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट का एक विस्फोटक वाहन बताया गया। बाद में अमेरिका ने स्वीकारा कि उसकी खुफिया जानकारी गलत थी। इस हमले में 7 बच्चों समेत 10 नागरिक मारे गए।
अब सब कुछ एक वीडियो गेम जैसा है और हमारे पास खेलने के लिए सभी खिलौने मौजूद हैं। तो इसलिए चीन खेलता है, रूस खेलता है, इसराइल खेलता है। हमने यही दुनिया बनाई है। आज के वक्त में कम से कम 18 देश हथियार बंद ड्रोनों का इस्तेमाल करते हैं, अदालतों की निगरानी या युद्ध की घोषणाओं के बिना, और कभी कभी तो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उन्हें बस दूर से नियंत्रित किया जाता है। स्वचालित ड्रोन अपने आप लक्ष्य खोजते हैं, हमले करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कम से कम 4 देशों के ड्रोन लीबिया के ऊपर चक्कर लगाते हैं। नीचे जमीन पर ठेके पर रखे गए लड़ाके और आतंकी हैं, जिनमें से कई विदेशों से भर्ती और संचालित होते हैं। छद्म युद्ध परंपरागत युद्ध की जगह ले रहा है। परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया अक्सर अपने हथियारों का प्रदर्शन करता है, लेकिन गुपचुप तरीके से तानाशाह किम जोंग उन ने भी पश्चिम में अपनी साइबर सेनाएं फैला दी। ईरान और इजराइल दशकों से एक छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें कई स्तरों पर छापे, तोड़फोड़, षड्यंत्र, मिसाइल हमले और राजनैतिक हत्याएं शामिल हैं। इस बीच निजी लड़ाकों की कंपनियां इस चलन से मुनाफा कमा रही हैं। लड़ाके इस कारोबार के अलावा कुछ भी और करना नापसंद करते हैं, इसलिए फायदा पाने के लिए वो या तो युद्ध शुरू कर देते हैं या इन युद्धों को लंबा खींच देते हैं। और आपसी संघर्ष ही एक चीज है जो इन लड़ाकों की आपूर्ति के लिए जरूरी मांग बनाए रखती है। यदि 20 या 30 साल पहले ये साइबर संस्कृति एक प्रकार की गुंडागर्दी थी, आज ऐसा नहीं है। इन दिनों ये सिर्फ खांटी धंधा है। युद्ध का रूप बदल गया है। आज जो हथियार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं वो ऐसे हथियार हैं जो सिर्फ गोले नहीं दागते बल्कि एक प्रशंसनीय अस्वीकार्यता के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये छद्म युद्ध अब रुकते हुए नजर नहीं आते, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की दुनिया में लगातार पांव पसार रहे हैं।